अब हमारा दूसरा ऑप्शन है टैब नेम। टैब नेम में आपको आप जितने भी कंटेंट क्रिएट करेंगे उसकी लिस्ट इस टैब नेम में आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर जब आप क्लिक करें तो आप देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल लेसन्स, आपके क्रिएटेड कंटेंट की लिस्ट यहां पर आपको क्लियर दिखाई देगी। हमारा तीसरा ऑप्शन है गैलरी। साथियों, जब भी आप कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन, सिमुलेशन इन सब की तो आवश्यकता होगी, तो आप उसे या तो इंटरनेट से ढूंढ कर लाएंगे, या फिर अगर आपने कोई फोटो खींची हो या अगर आपके द्वारा कोई वीडियो बनाया गया हो तो इन सभी चीजों को आप एक जगह कलेक्ट कर आपके कंप्यूटर के फोल्डर में रखेंगे। वहां से फिर हम उसे पुल कर इस गैलरी में लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर मैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक पर कुछ सर्च करना चाहती हूं, हो सकता है मुझे इमेज और वीडियो इन सब की आवश्यकता होगी, तो चलिए एक काम करती हूँ, मैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक इमेज सर्च करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक न्यू टैब ओपन करना होगा और यूआरएल में मुझे फोटोसिंथेसिस लिखना है। अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूं क्योंकि मुझे इमेज चाहिए, तो इमेजेस पर मुझे क्लिक करना है। अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर ढेरों इमेजेस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इन सभी इमेजेस को मैं सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं कर सकती हूं क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस नहीं है। इनमें से कुछ इमेजेस कॉपीराइट फ्री है तो कुछ नहीं है। तो अगर मुझे कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे सेटिंग ऑप्शन पर जाना है, अब एडवांस सर्च पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और यहां पर जो यूजेस राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए। इनमें से मुझे फ्री टू यूज और शेयर मॉडिफाई ऑप्शन मैं चूज कर रही हूं, आप भी इसी ऑप्शन को चूज करिए। एडवांस सर्च पर क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर फिर से मुझे फोटोसिंथेसिस से इमेजेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये सभी इमेजेस कॉपीराइट फ्री है, इसको मैं यूज कर सकती हूं। चलिए एक काम करती हूं, इनमें से एक इमेज को मैं सेलेक्ट करती हूं। जैसे यहां पर मैं इस इमेज को ले रही हूं अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए, इस पर मुझे राइट क्लिक करना है ताकि इस इमेज को मैं सेव कर सकूं। इसलिए आपको सेव इमेज एज ऑप्शन पर जाना है। अब इस इमेज को मैं एक फोल्डर में सेव कर रही हूं, तो जैसे यहां पर मैं डेस्कटॉप में सेव कर रही हूं, अब इसे फाइल नेम देना होगा क्योंकि ये मेरा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहां पर फोटोसिंथेसिस लिख रही हूं। इसका मतलब अब मेरी इमेज जो है मेरे कंप्यूटर में एक फाइल में सेव हो गई है। अब फिर से चलते हैं हम माय डेस्क पे। अब मुझे गैलरी पे क्लिक करना है, गैलरी के ई लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर से यहां पर डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा फर्स्ट बॉक्स है जिसमें बोला गया है चूज फाइल, मतलब आपने जो इमेज सेलेक्ट की थी उसे हमें यहां पर चूज करना है। तो आप इस पर क्लिक करिए और आपकी इमेज जहां सेव थी वहां से उस इमेज को सेलेक्ट करिए। अब ओपन करना है। अब देखिए यहां पर चूज फाइल के साइड में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, मतलब हमारी फाइल सेलेक्ट हो गई है। चलिए अब हम टाइटल लिखते हैं। तो मेरा टाइटल फोटोसिंथेसिस है क्योंकि मैं कंटेंट हिंदी में बनाना चाह रही हूं, तो यहां पर मैं हिंदी में टाइप करूंगी प्रकाश संश्लेषण। अब मेरे टॉपिक से रिलेटेड यहां पर डिस्क्रिप्शन देना है,
तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सजीव कोशिका में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, आप इस प्रकार से जानकारी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया है एड टैग का। अगर मेरे कंटेंट को कोई अध्ययन करना चाहता है तो उसे यहां तक पहुंचने के लिए एक टैग मैं ऐड करूंगी, यह बहुत हेल्प करेगा उसे यहां तक पहुंचने के लिए। चलिए यहां मैं एक टैग ऐड करती हूं, फोटोसिंथेसिस। इसे लिखने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पे जाना है और क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो यहां पर फोटोसिंथेसिस लिखकर आ रहा है, मतलब हमने जो टैग ऐड किया था वो ऐड हो चुका है। अब है चूज टॉपिक ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए। अब आपका टॉपिक यहाँ पर दिए गए जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेरा टॉपिक फोटोसिंथेसिस से संबंधित है इसलिए यहाँ पर मैं फोटोसिंथेसिस सेलेक्ट कर रही हूँ। अब हम चलते हैं लैंग्वेज ऑप्शन पर। क्योंकि कंटेंट मैं हिंदी में बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस, आप ये कंटेंट किसके लिए क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना चाह रही हूं तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर रही हूं। अब आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो यहां पर मैं बायोलॉजी चूज करूंगी। ये कंटेंट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये किन बच्चों के लिए कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के या टर्शियरी लेवल के। जैसे मैं सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए ये कंटेंट बना रही हूं तो यहां पर मैं सेकेंडरी ऑप्शन को चूज करूंगी। अब नेक्स्ट बोला गया है को कंट्रीब्यूटर। को कंट्रीब्यूटर, अगर आपके डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपका अगर कोई सहयोगी हो, आपका अगर कोई साथी हो तो उसका नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉपीराइट, जहां पर लिखा है सीसी बाय एसए। इसका मतलब हम जो डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री है इसलिए यहां पर सीसी बाय एसए लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है सोर्स, ऑनर ऑफ द फाइल, मतलब जो इमेज या जो वीडियो आप सेलेक्ट किए हैं वो किसके हैं, उनको क्रेडिट देने के लिए हमें यहां पर उनका नाम लिखना होगा। जैसे मेरी जो इमेज है यहां पर देख सकते हैं पिक्सा बे की है, तो मैं उनका नाम यहां पर लिखूंगी, तो ऑनर ऑफ द फाइल में मैं लिखूंगी पिक्सा बे ताकि मैं उन्हें क्रेडिट दे सकूं। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन यूआरएल, मतलब आपकी जो इमेज की जो आपकी जो इमेज है, जो इमेज मैंने यहां पर सेलेक्ट की थी उसके लिंक को मुझे यहां पर कॉपी करना है, तो मैं पीछे जाऊंगी इमेज में और उसको सेलेक्ट करूंगी, उस पर राइट क्लिक करूंगी और कॉपी लिंक एड्रेस, इस एड्रेस को मैं कॉपी करूंगी और बेस्ड ऑन यूआरएल पर क्लिक करके उसे वहां पर पेस्ट कर दूंगी।